Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy Match Preview. We are doing this for the Rajasthan versus Chennai game. Very interesting game hoga, and it will happen at the Sawai Mansingh Stadium. We have Nikhil Bhai with us today, and ensure you smash the like button before you start watching the video. Nikhil Bhai, how are you doing and how do you see the game going through? बिल्कुल, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज पीपल फॉर वॉचिंग वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर कॉन्टेंट से बेनिफिट होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम ये आपके लिए आगे भी कर सकें, तो उस लिहाज से थैंक यू। एंड येस, टॉप ऑफ द टेबल काइंड ऑफ क्लैश, सोचा नहीं था किसी ने कि CSK टॉप ऑफ द टेबल होगी, मतलब इन द टॉप हाफ। तो अगेन जस्ट टेल्स यू हाउ एज अ बोलिंग यूनिट दे हैव हिट टीम्स। पिछला मुकाबला इन दो टीम का काफ़ी हाई स्कोरिंग था, तो पर वेन्यू अलग है और यहाँ पे पहला गेम थोड़ा इफी था इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। यस एब्सोल्युटली, सो वेरी क्रूशियल फर्स्ट अप टू अंडरस्टैंड वेन्यू कंडीशंस। So as far as the ground is concerned, like you can see, ek taraf 65-61 meters and the other side 71-75, while square is decently long at 68 meters. Nikhil bhai, like you mentioned, there might be some hold and grip in this track. So, क्या हम सब spinners को लेके जा रहे हैं इस game में? हाँ, मतलब वो तो देखो obvious भी है, दोनों teams की strength भी उनकी spin रही है और trend bolt का खतरा तो रहेगा। देखो वो matchup तो पूरा गांव discuss करेगा ही, रुतराज versus Trent, but मुझे लगता है अगर कॉनवे ट्रेंड को निकाल लेते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो आई थिंक इट कुड पैन आउट इन अ वे दैट बेनिफिट्स द टीम। और गायकवाड का भी आप देखो तो पिछले गेम में, पिछले टाइम जब ये दो टीम्स मिली थी तब संदीप शर्मा ने आउट करा था, वो गेम बोल्ट नहीं खेले थे। तो इंटरेस्टिंग होगा, ये गेम बोल्ट खेलने चाहिए तो वो कैसे जाता है, क्योंकि जो पूरी लाइनअप है चेन्नई की, दे आर ऑलवेज अटैकिंग, तो विकेट्स मिलने के चांसेस है आपके पास, बट जो टॉप टू है दे आर सेटिंग द टोन, तो वो मेरे हिसाब से काफी क्रूशल रहेगा, क्योंकि दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर है। मिडिल ऑर्डर राजस्थान का इतना अच्छा नहीं निकला है, देव यूज ऑल्सो जिसन होल्डर वेरी वियर्डली, तो मुझे लगता है इस ग्राउंड पे जाम्पा को खिलाना बेटर ही होगा, तो लेट्स सी अगर वो करते हैं क्या। यस, जेसन होल्डर इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे, फॉर नाउ लेट्स गेट टू द बेस टीम। So over to the base team for this game, and before we share the base team, ensure that all of you are taking part in the investment leaderboard on the Fan to Play app. The app link is in the description and you'll get 200% bonus on your first deposit, so don't miss out on the chance. And ab chalte hain team ki taraf, we'll start straight with the keeping section jahan humne sabko le liya hai, Conway, Samson and Butler. सब टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, सैमसन के कुछ मैचअप्स है बट आई थिंक कीपिंग वैल्यू भी है उनके साथ। Now we know, all of us know, form versus matchup for Samson is, he's been dismissed multiple times by Jadeja, and strike rate bhi I think about 140-150 hai, so thoda sa battle of fire types hai, but because the pitch might have some hold, it might go in Jadeja's favor, especially keeping in mind his record versus Chennai might play on his mind. Nikhil bhai, that is the all round, that is the keepers. In the batters also we have taken some standard picks. Any other inclinations that you have in the section, क्योंकि काफी informed players हैं यहाँ भी। हाँ बिल्कुल, देखो ये game ऐसा है ना जहाँ पे सबका bowling section और all-rounder section शायद same हो, क्योंकि you expecting bowlers to be in the game, तो pitch report काफी critical हो जाएगा। And apart from that, the thing that we are not risking as of now is form. तो जैसे जो हमने पहले चला था वो है form से मस्ती नहीं, तो गायकवाड़ को रन स्टार्ट हर गेम में मिले हैं, पर अगर आपको लगता है कि बोल्ड चलेगा तो फिर आप गायकवाड़ को ड्रॉप करके शिवम दुबे को ले लो, क्योंकि अगेन ये बहुत कम दफा होता है जब आप कहते हो कि यार शिवम दुबे रहने को अपने बेस्ट टीम में रखो, बट इट्स वर्किंग फॉर देम। बट ये भी याद रखना है कि वो रिस्क भी ले रहे हैं, वो रिस्क कभी कम ऑफ नहीं भी करेगा, तो आपको आपके विजुलाइजेशन के साथ जाना है। अब हमने, क्योंकि अगर आप जब आगे टीम देखेंगे, हमने तीक्ष्णा को काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया है, तो इसके लिए हम वो जो ऊपर के लेफ्टी जोन को नहीं ले रहे, तो अगेन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू विजुलाइज। आप बिल्कुल देखो, ध्रुव जोरेल हैं, देवदत्त पाटिल, ये सब क्रिटिकल रोल्स प्ले कर रहे हैं, बट बड़ा नॉक नहीं आया किसी का अभी तक, तो अगर आपको लगता है कि ये कोई बड़ा नॉक खेलेगा तो उनको आप ले सकते हो। हम अभी के लिए टॉप ऑर्डर ऑप्शन के साथ जा रहे, क्योंकि अगर विकेट होल्डअप भी करती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो शुरू में होती है वो बेस्ट होती है, सो व्हेन इफ यू सी दैट अ विकेट इज टायरिंग, द बेस्ट टाइम टू बैट इज अप टॉप, so which is why we are taking people who have the most
possible option to bat long. So yes, of course, if you feel some of them will fail, then you can definitely pick the options. There are many in the batting section. Yes, absolutely. And something very interesting in this game, even though the highest pick batter is Rahane, the person who also has the most matchups against the opposition is Rahane. Ashwin has dismissed him 5 times. Strike rate is 120. If you look at Chahal, he's dismissed him 3 times. Strike rate is only 107. Bolt and Sandeep both have also dismissed him 2 times each, and strike rates are below 100. So And it'll. pichle game mein bhi Ashwin dismissed Rahane LBW. But again, the thing is he scored 31 in 10 T. Job was done. So that is what you have to take care of. कि आप जो भी विजुलाइजेशन कर रहे हो, take care of the matchup but also the form. Yes, absolutely. So that's our batting section. All-rounder section is Jadeja and Ashwin. We are going test match special in this section because we are expecting some help from the track. And Ali's usage has been slightly weird, but काफी left-handers हैं in the team, so maybe this is his day to bowl a few more overs. While in the bowling, we have gone with Chahal, Thikshana, and Pathirana. Pathirana is someone that will surely stay in our team if he's bowling first. Bowling second would be a subjective call based on the conditions. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगेन वहां पे भी आप देखो तो पेस में ऑप्शंस है आपके पास, बट इट्स यू हैव टू गो इन दैट सीन दैट इफ यू टेक इन 10 बोल्ट, आपको किसी एक ओपनर को ड्रॉप करना पड़ेगा. अगर आप आकाश सिंह को ले रहे हो तो आपको बटलर, जायसवाल, अगेन इट्स आपको आपके मैचअप के हिसाब से जाना पड़ेगा. तुषार देशपांडे भी विकेट ले रहे हैं, पर ये जैसा वेन्यू है, बॉलिंग फर्स्ट है, बॉलिंग सेकंड है, यू कैन टेक दैट कॉल अकॉर्डिंगली. अभी के लिए वी हैव टेकन ऑल द फॉर्म पिक्स, तो बहुत मेनी पीपल से दैट यार व्हाई आर नॉट टेकिंग रिस्क, बट द रिस्क ऑल्सो हैज टू बी वर्थ इट. एंड यू कैन टेक द रिस्क विद टीम टू, ऑलवेज यू कैन प्ले विद टू टीम्स, हैव अ स्लाइटली कॉमन वन टीम एंड प्ले अ प्रॉपर मिनी जीएल जीएल विद टीम टू. सो बी वेरी श्योर दैट समटाइम्स द बेस्ट रिस्क इज टू नॉट टेक अ रिस्क एंड बैक द फॉर्म गाइज. सो अगेन यू कैन, आपको हमेशा आपकी फीलिंग के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वही आपको आगे और बड़ा बड़ा जिताएगा. Yes, absolutely. Maybe a lot of risks on the Telegram channel for this game. Let's see. Yeah. But for now, let's get to our Grand League options for this game. Go for it, sir. नहीं सर, पहले आप पहले. My picks today are not that risky, but आप समझ सकते हो कि I am not taking these picks as like. बेस टीम पिक तो काफी लोग के टीम में होंगे, बट दीज आर पिक्स बेस्ड ऑन मे बी दे बीइंग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कैंडिडेट्स. चहल बोल रहा हूँ, जयसवाल एंड अली अली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स अहेड. एंड वी हैव सीन की बिकॉज चेन्नई हैव गॉट गुड स्टार्ट्स, ही इज बीन डिमोटेड डाउनवर्ड्स, बट इफ वी सी एनी हेल्प इन द ट्रैक अप फ्रंट देन मे बी विद दैट अर्ली विकेट अलीज एंट्री पॉइंट ऑल्सो गेट्स लिटिल बिट बेटर. सो हेंस ही इज द फर्स्ट पिक. And second pick is Jaiswal because we know how the CSK pace lineup has been functioning. It's a slight concern with the inexperience up top. And Jaiswal, we've seen, is going attack one shot after the other. Correct. So if he has his day, this is a weaker bowling lineup because he's had it against many stronger lineups. So I think he can capitalize on that factor. And in case you're wondering where I'm selecting these, this is the challenge fantasy interface. You have दो तीन या चार प्लेयर के साथ भी यू कैन मेक योर टीम. सो इंटरेस्टिंग फीचर टू ट्राई. बिल्कुल. और काफी फेयर लॉजिक है, स्पेशली विद मोइन, क्योंकि काफी अच्छा गेम हो सकता है मोइन अली के लिए अगर विकेट में होल्ड है तो. पर यूसेज की जैसे हमने बात करी, आप यू सॉ इन द कॉमन टीम ही है जडेजा कैप्टन एंड थिक्षणा वाइस कैप्टन, बिकॉज जडेजा हैज हिज बेस्ट नंबर्स अगेंस्ट राजस्थान एंड ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, ही वॉज पोटेंशियली अ प्लेयर ऑफ द मैच इज वेल. अच्छा खेला भी है वो, अच्छे खेले भी हैं कुछ गेम्स में, बट संदीप अगेन डिड वेरी वेल टू कीप धोनी अवे इन दैट फिनिश. मेरे दो पिक्स अगर आप कहें तो स्लाइटली थोड़ा बैटिंग साइड में जा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट सीइंग देम एज अ पोटेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स, बिकॉज इट विल कम फ्रॉम द ऑलराउंडर सेक्शन. इट मे बी जडेजा, मोइन अली, थिक्षन एंड ऑल ऑफ देम इज वेल. पर अगेन आई डोंट थिंक बटलर क्वालिफाइज एज अ ग्रैंड लीग पिक, बट आई थिंक अ बिग नॉक इज ड्यू एंड ही इज समबडी हु विल बी वेरी ईगर टू पुट दोज फेलियर्स बिहाइंड हिम. तो आई थिंक जॉस बटलर आपके टीम में होंगे तो जरूर, पर अगर आपको कॉम्बिनेशन में ट्राई करना हो विद जैम्पा या विद चहल या विद अश्विन, तो आप बटलर को अपने टीम में डेफिनेटली पॉसिबली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैचअप आप देखें तो डिसेंट है, पर अगेन बटलर इज अ बिग प्लेयर और राजस्थान विल वॉन्ट हिम टू कम गुड. तो बटलर एक ऑप्शन हो गए. और फ्रॉम सी एस के विद द इंक्लूजन ऑफ दुबे एंड रायडू,
दुबे एंड राहने, रायडू का जो बैटिंग टाइम है बहुत कम हो गया, तो अगर आप बहुत श्योर हो रायडू की बैटिंग आएगी तो आप रायडू पे बिल्कुल चांस ले सकते हो, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो एक नॉक खेलेगा 20 बॉल में 40 करेगा, योर जॉब इज डन। बट अगेन दिस इज प्योरली अ ग्रैंड लीग पिक ओनली एज अ प्लेयर, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रायडू को करने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम में होगा उतना ही काफी होगा, तो अगेन ग्रैंड लीग ऑप्शन है। उसके अलावा मोइन अली तो मेरे पिक भी वेरी कॉमन है, आई थिंक बहुत टीम्स में ट्राई करेंगे मोइन अली को क्योंकि लेफ्टीज इतने हैं। सो यस, बटलर अगेन अ कॉमन बेस टीम पिक एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, एंड यू हैव अंबती रायडू टू ट्राई, स्पेशली इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। चेजिंग में मे बी यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑन द बॉलर तुषार देशपांडे, हु नोस। यस एब्सोल्युटली। एंड अगेन लास्ट गेम में हमारा जो क्वेश्चन था कोई क्लोज ही नहीं आया। मैक्सवेल का जो हमारा क्वेश्चन था सबने 30-40 बोला, वो साहब 70 मार के चले हैं क्योंकि इनके जीएल पिक थे, इनके जीएल प्रेडिक्शन से ज्यादा मार लिया। तो एनीवे बिकॉज वो जर्सी गिव अवे तो हुआ नहीं, तो आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड द क्वेश्चन फॉर टुडे अगेन इट्स हिज जीएल पिक, हाउ मेनी रन विल अंबती रायडू स्कोर? यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्लोजेस्ट आंसर, नो मल्टीपल, नो एडिटेड कमेंट्स, हुएवर इज द क्लोजेस्ट एंड विद इन अ 10 run रेंज विल बी एलिजिबल फॉर द गिव अवे। एंड बिफोर वी एंड द प्रीव्यू सर, एंड बिफोर वी गेट टू द एक्सचेंज विंडो पिक्स, टेल अस हाउ मेनी रन डू यू थिंक ही विल स्कोर? क्या मैंने तो बोल दिया 20 बॉल में 40, Yes, आई होप ही गेट्स टू बैट फर्स्ट। hopefully he gets to bat. And now let's get to the exchange 22 picks for this game. So we'll start with the Rajasthan side of things. And यहाँ पे I think at 20, do you think Dhruv Uriyal will get a chance to bat? ये काफी ट्रिकी है, स्पेशली आफ्टर दैट लास्ट द गेम वर्सेस बैंगलोर, मेरे को थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है टू बैक लोअर ऑर्डर बैटर्स फ्रॉम राजस्थान। होल्डर यू फील के यार अब्दुल बासित के ऊपर तो आप भेज सकते थे, इट इज फाइन ट्रस्टिंग अब्दुल बासित, तो उनका पहला गेम था सीजन का और 2 में 10 से ये होल्डर है आपके पास तो क्यों यूज नहीं करोगे, तो बट आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि पहले बैटिंग आके काफी बाउंड्री सेट करेगी, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा डिसेंटली बड़ा है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है बट डिसेंट इनफ है, बट कभी कभी बाउंड्रीज बहुत छोटी भी हो जाती है एक साइड पे, तो वैसे यू कैन टेक अ कॉल, क्योंकि उसके अलावा आपके पास संदीप और यूजी हैं जो यूजी इज लुकिंग गुड। 20 24, तो आई थिंक थैंकफुली अच्छे पिक्स मिल रहे हैं, जहाँ पे 2 विकेट हो जाए तो आप प्रॉफिट में हो और 1 में यू आर स्टिल कवरिंग अप, तो चहल से तो कैच का एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा, पर संदीप कर सकते हैं, तो यस दैट इज अ गुड गुड प्राइस, क्योंकि बटलर भी है देखो, इफ अगेन बटलर एंड चैम्पसन अगर आपकी गट फील है ऑन देम टू डू वेल, यू कैन टेक और यू कैन इवन सेल देम। बटलर एट 46 इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन टू सेल इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ आकाश सिंह डूइंग वेल, नो की पैक। तो आप कीपिंग भी नहीं कर रहे तो 30 भी मार दे तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, तो अगेन आपको आपकी गट फील के साथ जाना चाहिए, अच्छे ऑप्शन है गेम। यस एंड फ्रॉम चेन्नई साइड ऑफ थिंग्स माई पिक्स आर पथी राणा एंड थिक्षाना। अगेन बोथ इफ दे गेट यू 2 विकेट्स आपका काम कर जाएंगे। एंड बिल्कुल बिफोर वी एंड दीज पिक्स, निखिल भाई साइड की 1-2 विकेट लेने पे प्रॉफिट हो जाता है, 1 विकेट लेने पे कवर अप हो जाता है। कल तो 1 विकेट लेने पर भी प्रॉफिट हो गया था। इफ यू सी अर्जुन तेंदुलकर, हमने 13 पे लिया एंड 16 पे कुछ शेयर लिए एंड 20+ ही गॉट टू बैट। सो दैट वॉज अ That is the या lucky part. And like ऊपर Nikhil bhai बोल mentioned, with Butler, same case with Green here. We sold him at 50, and he scored like 30 odd. He hit quite a few sixes, and yet we got profit out of it. तो अगर and ये साथ तो bowling भी करके गए, but कुछ किया नहीं, अलग बात Yes. है. But yeah, if you think कि that player is a little bit overpriced and you think he's going to fail with the bat on the day, then it's a good chance for you to sell him out. And the best part is समझिए कि even if Green would have scored 40 yesterday, I would have still been at cost. Even if he scored 60, I would still lose only about 10-12. So the chance of him taking away all my capital was very, very low. It had to be a crazy बिल्कुल day for him. बिल्कुल, तो यहाँ पे भी आपकी गट फील बैक कीजिए, देखो बटलर को ग्रैंड लीग कैप्टन बोला है तो अग्री करते हो तो ग्रैंड लीग कैप्टन करो, बाय भी कर सकते हो, और नहीं लग रहा है लेकिन जल्दी आउट हो जाएगा तो सेल कर दो, तो कहीं से तो कवर अप हो जाएगा। Yes, absolutely. So that is the exchange 22 picks for today. And now we'll get to the Rario picks for this game. Thank you, हाँ sir.
रैरियो पिक्स फॉर टुडे। सो मेन पॉइंट यहाँ पर ये बात याद रखना आपकी, जो 1600 साइन अप बोनस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक से। बट बेस्ट पार्ट क्या है फॉर दिस गेम, द ट्रायल कॉन्टेस्ट इज लाइव। तो ट्रायल कॉन्टेस्ट में लोएस्ट प्राइस इज ₹280 वंस यू साइन अप विद द लिंक। ऑल यू नीड टू डू इज पार्टिसिपेट इन द ट्रायल कॉन्टेस्ट एंड वंस यू पार्टिसिपेट यू विल गेट दैट प्राइज एंड यू विल बी एबल टू बाय दैट मैच पैक जो $7 का है, उसमें से 3.5 कट जाएगा लिंक से, 3.5 कट जाएगा जो आपको वो रिवॉर्ड मिल जाएंगे। तो आपके जो पहले 3 कार्ड्स है इफेक्टिवली फ्री एंड देन यू कैन प्ले योर फर्स्ट गेम इन द विद द ब्रॉन्ज कार्ड्स एंड दोस कार्ड्स स्टे विद यू फॉर एवर। तो आप उनको बार बार यूज कर सकते हो। सो डोंट मिस दिस चांस, द ट्रायल कॉन्टेस्ट इज गोना एक्सपायर सून एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।